मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर मेंढक का अज़ाब क्यों आया? तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत देते रहे मगर आपकी कौम आपकी नाफरमानी करती रही, तब अल्लाह का अज़ाब उन पर नाजिल हुआ। उनकी बस्तियों पर घरों में मेंढक आ गए। इन मेंढकों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि जो आदमी जहाँ बैठता इनकी मजलिसों में हज़ारों की तादाद में मेंढक आ जाते। कोई आदमी बात करने के लिए अपना मुँह खोलता तो उनके मुँह में मेंढक घुस जाते, यहाँ तक कि उनके जिस्म पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि हर तरफ मेंढक ही मेंढक थे। फिर सब लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और अल्लाह से दुआ फरमाने की गुजारिश की और ईमान लाने का वादा किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की और अल्लाह ने इस अजाब को टाल दिया।